29 मई हमने शुरू किया ये वैक्सीनेशन फैसिलिटेशन फॉर दिव्यांगजन के लिए, जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, स्पेशली जो हमारे सारे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स में, हमने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे भी उनके लिए इन्फॉर्म किया है। दिस इज़ अ बेसिकली फैसिलिटेशन सेंटर फॉर देम। इस फैसिलिटेशन सेंटर में फैसिलिटेशन सेंटर में आप उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं जो दिव्यांगजन हैं, जिनको डिसेबल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारी यही गुजारिश है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा था इस वैक्सीनेशन के बारे में, हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं जो इस बारे में ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन करना ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे डिसेबल ऑलरेडी कुछ वीकनेसेस होती हैं, उनकी कुछ परेशानियां ऑलरेडी होती हैं, उनके लिए ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है। और मेरी आपके वसादत से मेरी यही इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जानी चाहिए जो हमारे डिसेबल लोग हैं, जो हमारे दिव्यांगजन, हमारे जो जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो आ जाए और हमारे यहाँ सीआरसी श्रीनगर बेमना में फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, वो वैक्सीनेशन कराए, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, वो इस वबा से बच जाएं, जो पिछले 2 साल से, 1.5 साल से हमारा COVID-19 कोरोना जो चल रहा है उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोरोना को हराएंगे। चूंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और हमारे दिव्यांगजन को फैसिलिटेशन इतनी नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने आना था वो आ गए, यहाँ पर कुछ अपने उनको जो अपनी फैसिलिटीज़, जिनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ थी वो आ गई। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे हैं और हमारा ये आज का ही दिन नहीं है। हम लोग जब भी हमारे ये लोग रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे रिहैबिलिटेशन ऑफिसर सीआरसी के जो हैं उनसे कराएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं जब उनके साथ टाइप हो सकता है। ये कंपोज रीजनल सेंटर ये काम कर रहे हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद स्पेशल नीड्स। तो इस ज़मीन में ये महसूस हमने किया कि स्पेशली अब लोग दिव्यांगजन जो हैं, इनके लिए हम इनकी फैसिलिटेशन के लिए, इनकी सहूलियत के लिए हम यहाँ ही एक वैक्सीनेशन सेंटर सीआरसी बेमना में ही एस्टेब्लिश करवाएंगे, सो डैट इनको रिलैक्स हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस आ गई है क्लियर कट कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेशन किया जाए और इनको किसी तरफ की हेजिटेशन या डिफ़िकल्टीज़ का सामना न करना पड़े। इस ज़मन में हमने कोऑर्डिनेट किया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, डब्ल्यू एच ओ की ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। तो वी हैव इन्फॉर्मड ऑल द सेक्टर्स कि ऐसे जो लोग हैं दिव्यांगजन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, इनको यहाँ सीआरसी रेफर करें। और मेरा टेलीफोन नंबर भी मैंने इनको शेयर किया है, तो इस पर वे टाइप करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली इनको यहाँ वैक्सीनेशन करवा दें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर गाइडलाइंस दी हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ऑन प्रायोरिटी स्पेशली आप लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, और जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, जो भी मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ इनको प्रायोरिटी पे, ताकि इनको इंतज़ार भी क्यू में नहीं करना पड़े। तो इस ज़मीन में यहाँ हमारे फैसिलिटेट हमें CMO श्रीनगर साहब ने भी हमने फैसिलिटेट किया, और WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर आशिक मलिक साहब, इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया और हमने यहाँ ये सेंटर मुनक्कद किया। और हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी टाइप करेंगे कि उनको गुजारिश हम करेंगे सो डैट दे विल एस्टेब्लिश स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर्स फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। वहाँ भी हम चाहते हैं ऐसा सेंटर्स हो जाए, ऑन प्रायोरिटी इनको वैक्सीनेशन किया, और दिस अ नीड ऑफ द आवर। ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन, ऑलरेडी दे आर वनरेबल टू दिस कोविड इन्फेक्शन, ऐसे लोगों को हम गुजारिश कर रहे हैं कि सो डैट वो अर्ली स्टेज पे ये कोविड वैक्सीनेशन करवाए। चूँकि ऐसे जो डिसेबल लोग हैं, स्पेशली एबल लोग हैं, दे आर मोर वनरेबल प्रोन टू दिस इन्फेक्शन। ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि मोबाइलिटी उनकी नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल दे आर बेड रिडन, कुछ लोग व्हील चेयर्स पे, या कुछ लोग जो मोबाइलिटी एड्स सपोर्टिव डिवाइस का सहारा लेते हैं, तब मोबाइलिटी उनकी पॉसिबल होती है। फिलहाल हमने ये ड्राइव की है, स्टार्ट की है। हम चाहेंगे कि
जो लोग ऐसे हैं जो घरों में हैं या जो यहाँ सेंटर्स पर नहीं आ सकते, हम उनको कम्युनिटी में ही फैसिलिटेट करवाएं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सीआरसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, और इसके साथ साथ इन्होंने मतलब ये पहला सेटअप ले लिया है, और जिस्मानी तौर नाखिर लोगों के लिए ये जो पहला मतलब स्पेशली बनाया गया है कि मतलब यहाँ पर इनको वैक्सीनेशन करने के लिए, तो इसके लिए भी हम दोबारा मतलब सीआरसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही मैं रियासत के जिस्मानी तौर नाकेज लोगों को अपील करता हूँ कि वो इस वबाई बीमारी के दौरान वैक्सीनेशन करने के लिए आगे आए, ताकि क्योंकि उनकी जिस्मानी कोई जो है वो पहले से ही मतलब ये मतलब कमज़ोर है, तो अगर खुदा ना करे कि उनको कोरोना हो जाए तो वो बर्दाश्त करने के लिए उनको बहुत मुश्किल होंगे। और साथ ही मैं मतलब रियासती हुकूमत को भी मतलब पुरजोर अल्फाज में मतलब गुजारिश करता हूँ कि वो इनको जो लोग मतलब किसी सेंटर पर ना जा सके तो उनको के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए, और उनको हो सके कि उनको घर तक भी की रसाई की जाए। और साथ ही मैं मतलब फिर मतलब तमाम लोगों को मतलब इसका मतलब जो इसमें आफाबाजी चल रही है कि मतलब कोरोना इस वैक्सीन से वो हो जाएगा ये हो जाएगा, मुझे मतलब मैं यकीन से कहता हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे फ़ायदा ही होगा और इससे कोई नुकसान नहीं है। हर किसी को आगे आना चाहिए और आम लोगों को भी आना चाहिए आगे, इस खाली जिस्मानी तौर नाके लोगों को ही नहीं है कि मतलब बल्कि आम लोगों को भी आगे आना चाहिए वैक्सीनेशन करने के लिए। जो इसमें डर और मतलब जो अफवाहबाजी है वो बेबुनियाद है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कि मतलब सीआरसी को ये रिक्वेस्ट नहीं किया है कि इनको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, बल्कि मतलब सीआरसी से मेरे को फ़ोन आया है कि अगर किसी को मतलब ऐसा भी मुश्किल है कि उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, हम उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.